जनता के जिन अधिकारों को छीना गया है, शैक्षणिक व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था जिस ढंग से वहां पे एकदम निचले स्तर पे गिरी है, लोगों को जिस ढंग से समस्याओं को झेलना पड़ रहा है, इसके लिए वहां पे जनता एक मजबूत नेता को खोज रहा है। और जनता ने पिछले 5 साल में मेरे कामों को देखा है, जनता को लग रहा है कि एक मजबूत आदमी है। चूंकि एक ईमानदार व्यक्ति अगर चेयर में बैठ जाता है तो 12 में हालात अपने ठीक हो जाते हैं, और उसी चेयर पे एक भ्रष्ट आदमी बैठ जाता है तो अच्छे पदाधिकारी भी चोर हो जाते हैं। इसीलिए इस बार का चुनाव ठाकुरगंज में व्यक्तित्व और व्यक्ति के नाम पे होगा। सुरजापुरी विकास मोर्चा का परचम 2005 में भी लहराया था और इस बार भी लहराएगा। आपके यहाँ राजद और MIM भी खड़े हैं, ऐसे में MIM को कितना बड़ा फैक्टर माना है, क्योंकि सीमांचल में वो बड़ी ताकत के साथ। सीमांचल की मट्टी फिरका परस्त ताकतों को नहीं एक्सेप्ट करने वाली, देखिए। और ये जान लीजिए, आप लोगों ने पिछले दोनों तीनों चुनाव में देखा है, यहाँ की जो गंगा जमुनी हमारी तहजीब है, उस तहजीब को कोई लाख प्रयास कर ले मिटा नहीं सकता है। क्या निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं? ये एकदम निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूँ। निर्दलीय क्या हूँ? जदयू में रहे मैं सुरजापुरी विकास मोर्चा द्वारा समर्थित उम्मीदवार हूँ, निर्दलीय नहीं हूँ। लगता है कि सुरजापुरी विकास मोर्चा एक राजनीतिक संगठन नहीं है, काफी बड़ी सीमांचल की सबसे बड़ी सामाजिक संगठन है, जिसके खास करके किशनगंज जिला के हर वार्ड, हर पंचायत में इसका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, अपने कार्यकर्ता है। और इस संगठन ने हमेशा किशनगंज में गलत मुद्दों के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, शोषण के खिलाफ हमेशा लड़ाई लड़ने का काम किया है। चलिए, जदयू में आप रहे हैं, जदयू में क्या लगता है कि जदयू विधायक है उनको टक्कर देंगे, कैसा मुकाबला? नहीं नहीं नहीं, ये तो आप हमसे बेहतर जानने हैं। लड़ाई उनकी है किन से? उनकी लड़ाई किन्हीं से नहीं है, वो चौथे नंबर पांचवें नंबर पे चले गए हैं, उनकी कहीं कुछ नहीं है। वो अपना बस चुनाव घूमे फिरे, कुछ भी करे। और आज एक चीज जान लीजिए, हाँ, एकदम वो आपके जदयू के उम्मीदवार अगर किसी सबसे, अगर जनता दल यूनाइटेड की सबसे बड़ी गति अगर गंजन कहीं होगी पूरे बिहार में, ये आज मेरा आप दिखाइएगा, रिजल्ट के बाद भी इस चीज को दिखाइएगा, इस रिकॉर्ड को रखिएगा। अगर जनता दल यूनाइटेड की सबसे ज्यादा गति अगर कहीं होगी तो वो ठाकुरगंज विधानसभा में होगी।